नमस्कार मीडिया, और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। देखिए, गोपालगंज से बड़ी खबर आई है। जी हां, आपको बता दें कि नवरात्रि के मौके पर पूजा पंडाल में अचानक भीड़ उमड़ जाती है और इस भीड़ में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। आपको बताएं कि ये जो बच्चा है भीड़ में गिर जाता है और इसी बच्चे को बचाने के क्रम में 2 महिला भी भीड़ का शिकार हो जाती है और कुचल जाती है। इसके बाद इन महिलाओं को अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। और तमाम चीजों की जानकारी लेने के लिए घटना स्थल पर गोपालगंज के DM और SP खुद पहुंचे हुए हैं और खुद घटना की जानकारी लेते हुए नजर आए हैं। इस विषय में गोपालगंज के DM नवल किशोर चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। दुर्गा नवमी है और शहर में पंडाल बने हुए हैं और जगह जगह पे काफी भीड़ होने के कारण से एक बच्चा भीड़ में गिर गया। उसको बचाने के क्रम में 2 महिलाएं उसको बचाने के लिए प्रयास की, उसमें वो दब गई, सांस लेने में तकलीफ हुआ। उसके बाद अस्पताल में आने के बाद उनको अस्पताल में आने तक उनका देहांत हो गया है। सभी लोग मौके पे मौजूद थे और अस्पताल ने बचाने का भी पूरा प्रयास किया है। और दूरी भी मात्र 200 मीटर की दूरी पे थी, तो उसके बाद से सभी लोग सतर्क हैं हम लोग, और स्थिति को हम लोग नियंत्रण में रखे हुए हैं। भीड़ को हम लोग बाहर इवैक्यूएट कर रहे हैं और वर्तमान में स्थिति सामान्य है। तो आपने गोपालगंज के DM नवल किशोर को सुना, जिन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एक बच्चा इस भीड़ में गिर जाता है और उसी बच्चे को बचाने के लिए 2 महिला जब बचाव करती हैं तो उनका इस भीड़ में दम घुट जाता है। अस्पताल ले जाने के क्रम में जब ले जाया जाता है, अस्पताल जब पहुंचते हैं तब महिला की मौत बताई जाती है। आपको बता दें कि जो पूरी घटना निकल कर आई है वो नगर थाना क्षेत्र के चीनी मिल रोड स्थित राजा दल पंडाल के समीप की है। बताया जाता है कि इस रोड में अत्यधिक भीड़ हो गई थी और इसी भीड़ में एक बच्चा जो है गिर गया, जिसे बचाने के क्रम में अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 2 महिला दब गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इनकी मौत हो गई है। जी आपको बताएं कि इस भगदड़ में जो है 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतकों की अब जो है पहचान की जा रही है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर तमाम घटना की जानकारी लेती हुई नजर आई है। खुद मौके पर जो है DM नवल किशोर चौधरी भी पहुंचे हुए हैं, तमाम जो घटना हुई है उसकी एक एक बारीकियों से जांच कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर DM और SP भी पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। खुद DM पहुंचे हैं, खुद SP पहुंचे हैं, पुलिस बल भी पहुंचकर घटना की जानकारी ले रही है। तमाम चीजों की जानकारी ली गई और जो घटना हुई इनमें जो सभी घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फिलहाल जो है तमाम चीजों की जांच की जा रही है। तो फिलहाल के लिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।